आनंद के साथ रहिएगा। मैं इसी तरह अच्छी अच्छी धीरे धीरे बात करता रहूंगा। देशभक्ति का भी एक कवि उधर जैसा बताया दादा ने, देशभक्ति की भी बात धीरे धीरे होगी। मुझे भी देशभक्ति करने का शौक था दादा। मैं सोचा कि मैं क्या करूं, तो मैं पुलिस में भर्ती होना चाहता था। अच्छा, दरोगा जी इधर बैठे हैं, तभी मैं सोच रहा था कि इधर वार्ड नंबर 18 इतना शांत क्यों बैठा है। हमारे यहाँ दरोगा नहीं, एसपी होता है, सीएसपी होता है, डीएसपी होता है, टीआई होता है, आईजी होता है, दरोगा रोगा होता नहीं है, नहीं तो फिर वो नहीं। पुलिस पर दरअसल मैं कविता सुनाना बंद कर दिया हूँ, ये विकास भैया सुनाते हैं, मैं दरअसल बंद कर दिया हूँ दादा, जब से चालान का रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन मुझे भी देशभक्ति करने का जब भूत सवार था दादा, तो मैं भी एक मन आ गया था मेरे भी कि मैं पुलिस में भर्ती होना चाहता था। तो मैं जबलपुर ग्राउंड पहुंच गया, सामने एसपी साहब खड़े थे, हवलदार साहब खड़े थे, बोले सीना में फीता लगाओ, बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो, तभी पुलिस में भर्ती हो पाओगे। साहब एकदम खून उबल रहा था एकदम, मैंने कहा मैं देश के लिए अंतिम सांस तक लड़ सकता हूँ। खुश नहीं हुए, बोले दूसरी बार फीता लगाओ, सीने में बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो, तभी पुलिस में भर्ती हो पाओगे। साहब लहू का कतरा कतरा देश के नाम कर सकता हूँ और क्या करूँ, तब भी खुश नहीं हुए। बोले अंतिम मौका दे रहा हूँ, ठीक से फीता लगाओ और बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो, तभी पुलिस में भर्ती हो पाओगे। हम सीना में फीता लगाए और सांस फुला के बोले दादा भाई हम कह साहब ऐसा है कि हम 1.5 लाख तक दे सकते हैं। आनंद के साथ बैठी हूँ। अब आपको पता लग गया मध्य प्रदेश में क्या रेट चल रहा है। रेट वोट ये तो पुराना है, अब 10 लाख हो गया है। आप सबका आशीर्वाद मिलता रहे, बस थोड़ा अपडेट रिया कर। वो उस जमाने की बात है, हम आनंद के साथ रहिए। दरअसल क्या है, अभी तक जब तक ये सम्मान समारोह वगैरह चल रहा था, आप लोग एकदम शांत बैठे थे। इधर भाभी जी लोग भी कुछ आई हैं, उनके वजह से कुछ श्रीमान जी लोग, भैया लोग, ऐसे पतिदेव लोग बैठे थे एकदम डरे हुए, इस तरह मुंह बना के बैठे थे जैसे इस समय हनी ट्रैप से नेता अफसर डरे हुए। एकदम आनंद आनंद रहिए, तो एकदम मस्ती बजाना है तो एक बार पूरा सदन जोरदार ताली बजा कर बताइए, तू चेहरा में कब अरे मालूम पड़े कल से इसी का नाम नहीं आ जाए। ऐसे ही आनंद, दरअसल अभी विश्वास नहीं हो रहा था कि आप लोग श्रोता ही हैं, मेरे धोखा हो जाता है। विवाह के पहले मैं एक बार और आया था सपना कवि सम्मेलन पढ़ने, मैं उस समय गीतकार भी बहुत अच्छा था, दादा संचालन कर रहे थे, मुझको खड़ा कर दिया। हाँ ऐसा होता है, मैं विवाह के पहले जब आया मैंने 15 मिनट तक आंख बंद करके गीत पढ़ा। अब जरा शंका थी थोड़ा थोड़ा कि जो लोग श्रोता नहीं वो बताएंगे कि अंतिम पंक्ति में श्रोता ही बैठे हैं। हम 15 मिनट तक आंख बंद करके गीत पढ़े राजीव भैया की तरह, जब आंख खोले तो केवल एक ही श्रोता बचा था, बाकी सब चले गए थे। हम प्रणाम कर लिए उसको, हम कहे भाई साहब आपको मैं दंडवत प्रणाम करता हूं, बताइए मैं आपके लिए क्या करूं, आप ISI मार्क एकदम श्रोता है, बताइए मैं आपके लिए क्या करूं। तो वो हाथ जोड़ के बोला, बोला भाई अब कुछ मत करिए, और अगर आप शांत हो जाते तो मैं ये कुर्सियां और माइक लेके चला जाता, मैं टेंट वाला बैठा हूं अभी। आप शांत हो जाते एकदम ताली वाली बजाते रहेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, आदत हो जाती ये, जैसे लाइट से माइक चल रहा है ऐसे ताली की हम कवियों की आदत हो जाती। आदत किसी की खराब ना हो जाए बड़ी खराब चीज होती है। हमारे मोहल्ले में एक बस कंडक्टर की शादी हुई तो आदत खराब थी, शादी की पहली रात जब अंदर गया तो बीबी से बोला कि थोड़ा और खसको, अभी 2 सवारी की जगह और खाली है यहाँ। तमाम तरह की समस्याएं इस देश पर हैं, लेकिन आनंद के साथ रहिए। मैं ज्यादा कोई ऐसी बातें नहीं करूँगा, आज राजनीतिक लोग बड़े लोग हैं, और मैं ये कहता हूँ दोस्तों आज दो महापुरुषों का भी जयंती है, एक वो महापुरुष जिसने कभी किसी औरत की फटी साड़ी देखकर आजीवन धोती पर रहने का वचन लिया, और एक वो महापुरुष जिसने एक रेल दुर्घटना होने पर भी अपने तत्कालीन रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उन दोनों महापुरुषों की जयंती पर एक बार पुरजोर तालियां यहां से वहां तक, वो चेहरा बताए कि कवि सम्मेलन उनकी याद में शुरू हो रहा है, उनकी स्मृति में शुरू है। तमाम आनंद राजनीतिक बातें कोई करनी ही नीचे नहीं लंसु भैया, राजनीतिक कोई बात नहीं, अभी चुनाव निपटा है, चुनाव से एक बार निपट के आइए तो ऐसा लगता है कि जैसे कुंभ नहा के आ गए। हम 4-5 महीने त्रस्त थे, तरह तरह के लुभावने आते थे। एक नेताजी चुनाव प्रचार करने गांव पहुंचे तो बाहर से खड़े होके बोले कहीं इस बार हम लोगों को फिर से वोट दीजिए, विकास होगा।
इस बार हम लोगों को फिर से वोट दीजिए, विकास होगा। तो अंदर से एक चाची निकल आई, कहीं नेताजी झूठ मत बोलिए, पिछले बार भी आप बोल गए थे कि विकास होगा, लेकिन विकास नहीं हुआ था, पिंकी हुई थी। तमाम तमाम तरह के लुभावने अलग अलग। एक नेताजी और शहर में आए तो आते ही बोले, हाँ आते ही बोले, कहीं क्या समस्या है आपके शहर में? हम कह साहब कांग्रेस की सरकार आ गई, हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है, सड़क है, पानी है, बिजली है, सब है हमारे यहाँ, केवल शमशान नहीं है हमारे शहर में, कोई मरता है तो बहुत समस्या होती, शमशान नहीं है साहब। नेताजी नेताजी और खतरनाक थे, कहीं इस बार हम लोगों को वोट दीजिए, एक एक घर में शमशान बना देंगे। आइए चार पंक्तियों से धीरे से शुरू होता हूँ। ये बड़े लोग बैठे हैं, ये बड़ी बगिया है, एक छोटी सी कली इस बड़ी बगिया की आपको झलक दिखाने के लिए खड़ा हुआ है। मैं चार पंक्तियां समर्पित करता हूँ धीरे से। अभी पुरुष पीड़ित पर्व एक आने वाला है 15-20 दिन में, एक ताजे से कोई भूमिका की आवश्यकता नहीं, मैं निवेदन करता हूँ, सुनेगा चार पंक्तियां। कि इस दौर में श्रीमान पति हो गया बेहाल, इस दौर में श्रीमान पति हो गया बेहाल, घर वाली मूलधन ब्याज मांग रही है, उपहार मांगने की है परम है प्रथा पुरानी यहाँ, उपहार मांगने की है प्रथा पुरानी यहाँ, चूड़ी बिंदिया सिंगार साज मांग रही है, दौर महंगाई वाला इतना है विकराल, बीवी जो कभी न मांगी आज मांग रही है, सोना नहीं चांदी नहीं गहनों के बदले में, इस करवा चौथ में प्याज मांग रही। मैं तरोताजा विवाहित पुरुष हूं, उभरता हुआ पति कि मैंने एक शादीशुदा मित्र से ये पूछा, यार तुम ये बताओ दूल्हा घोड़े पे क्यों जाता है? ये नचिकेता ओज सुनाता है, मैं एक खोज की बात सुनाता हूं। मेरे मन में एक बात आई, दादा भाई कि आखिर दूल्हा घोड़े पे ही क्यों जाता है, गधे पे क्यों नहीं जा सकता? दादा चार पैर का तो गधा भी होता है। अंतिम पंक्ति में आपको पता चलेगा कि दूल्हा गधे पे क्यों नहीं जा सकता है। अगर मजा आ जाए तो फिर अंतिम पंक्ति तक बता दीजिएगा पीछे तक। कि मैंने एक शादी सुधा, एक दिन वो मुझसे कह रही थी, कहीं जानते हैं आपको पाने के लिए मैंने 16 सोमवार के व्रत रखे। मैंने कहा अगर वो ना रखती तो, बोली फिर आपसे भी गया गुजरा मिलता। मैंने एक शादी सुधा मित्र से ये पूछा, हाँ बोली जानते हैं आपको शादी के पहले भी मैं बहुत अच्छी तरह से जानती थी, शादी के पहले भी मैं आपको आकर देखती थी घर में। मैंने कहा जब इतना देखती थी तो आखिर तुमने मुझ में क्या देख करके शादी की? बोली एक दो बार मैंने आपको आपके घर में बर्तन माँजते हुए देखा था। मैंने एक शादी सुधा, अंतिम पंक्ति तक पहुंचिएगा कि दूल्हा गधे पे क्यों नहीं जाता है। मैंने एक शादी सुधा मित्र से ये पूछा, यार तुम ये बताओ दूल्हा घोड़े पे क्यों जाता है? उसने कहा जो यार याद मत दिलाइए, सोच कर उस दिन को आंसू आ जाता है, राज की बात यह मैं तुमको बता रहा हूँ, हालांकि कुंवारों को न बतलाया जाता है, और अंतिम बार घोड़े पे वो चढ़ता बेचारा है, उसके बाद खुद ही गधा बन जा। ये आकाश से उतरते हुए टीवी चैनलों से किस तरह कुसंस्कार फैला है हमारे और आप सबके समाज में, इन्हीं कुसंस्कारों का ही प्रभाव है कि आज माँ बाप अपने बच्चों से ये उम्मीद नहीं करते कि मेरा बेटा मुझे खाना देगा या नहीं, बल्कि इस बात की भी चिंता करने लगे हैं कि मेरा बेटा मेरी चिता को आग देगा या नहीं। मैं चार पंक्तियां समर्पित करता हूं, अगर ठीक लगे तो फिर आप सबका समर्थन मिले। कि खुशियां न पूछो यार पुत्र पैदा होने पर, एक पिता का पार्थिव रखा था, चार बेटे उसके परदेश से आए थे, लेकिन दुर्भाग्य उस पिता का कि चारों बेटे अपने पिता को दाह संस्कार करने को तैयार नहीं थे, कोई अपनी बीमारी का बहाना कर रहा था, कोई 13 दिन छुट्टी ना मिलने का बहाना कर रहा था। वो दृश्य आंखों पर रखिए और चार पंक्तियां निवेदन करता हूं। कि खुशियां न पूछो यार पुत्र पैदा होने पर, परिवार वाले लोग नाचते व गाते हैं, बेटे की सवारने के लिए जिंदगी को रोज माता पिता सपने भी कितने सजाते हैं, वक्त का ये खेल देखो बेटे जब कमाने लगे, समय बदला, वक्त का ये खेल देखो बेटे जब कमाने लगे, सपने माँ बाप के वो आंसू बन जाते हैं। और अंतिम पंक्ति में एक शब्द का दो अर्थ में प्रयोग किया है, अगर अंदर तक झकझोरे तो फिर पीछे तक हाथ खोलिएगा। वक्त का ये खेल देखो बेटे जब कमाने लगे, सपने माँ बाप के वो आंसू बन जाते हैं, कंधे पे पिता ने जिन बेटों को घुमाया कभी, वही बेटे आज कंधा देने में लजाते हैं, कंधे पे
माता ने जिन बेटों को घुमाया कभी वही बेटे आज। चार पंक्तियां और समर्पित करता हूँ, बड़े लोग बैठे कि मात पिता ईश्वर का रूप दूसरा थे यहाँ, लगता है जाने किस दौर की ये बातें हैं। इन बड़े लोगों के बीच शायद मैं कभी बन पाया या नहीं इनको सुनकर, लेकिन अंतिम पंक्ति में एक पलट और करता हूँ अपनी बुद्धि से, अगर ठीक लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। मात पिता ईश्वर का रूप दूसरा थे यहाँ, लगता है जाने किस दौर की ये बात है। सुख बल जीवन का नहीं कुछ जान पाए, पढ़े भी नहीं थे किंतु बच्चों को पढ़ाते हैं। और अपनाने वाला भी जो बच्चों को खिलाते थे वो आज भी दो रोटी बड़ी मुश्किल से पाते हैं। लोरियां सुना के बेटों को सुलाते थे कभी जो, आज बेटों की वो सुन गालियां सो जाते हैं। लोरियां सुना के बेटों को सुलाते थे कभी जो। आइए एक कविता समर्पित करता हूँ, जो पहले दौर का समय मेरे लिए निश्चित था। मैं एक कविता समर्पित करता हूँ, शायद अमित शुक्ला को इन बड़े लोगों के बीच बहुत अच्छा खड़े होने के लायक बनाया, लेकिन ये सब संस्कार की बातें। हम सब रीवा सतना के लोग हैं आदित्य दादा, हमारा संस्कार जरा दूसरे तरह का होता है थोड़ा सा। हम ज्यादा संस्कारवान होते हैं, पूरे हिंदुस्तान में ही संस्कारवान। हमारे रीवा में अभी एक सज्जन खत्म हुए तो उनके दो बालक थे, तो बड़ा वाला बोला कि छोटू तुम पिताजी की अस्थियां लेके चले जाओ इलाहाबाद, हम यहाँ 13वीं की तैयारी कर लें। वो चला गया तो 10 किलोमीटर पहले नैनी में जाम लग गया, तो वहीं नाले में पिताजी की अस्थियां निपटा के चला आया। अब जल्दबाज, दरअसल हम संस्कारीवान है दादा। अब दूसरे दिन बड़ा वाला उठा तो उसको डर था कि ये पहुंचा नहीं वहां तक, तो भूमिका बांधने लगा। कहा छोटू, रात को बाबूजी सपने में आए थे और कह रहे थे कि छोटू हमको इलाहाबाद नहीं पहुंचाया, कहां तुम छोड़ आए बाबूजी को। छोटू और संस्कारवान था, कहा बाबूजी की हमको यही आदत नहीं अच्छी लगती भैया, 300 किलोमीटर यहां शिकायत करने चले आए, 10 किलोमीटर इलाहाबाद बचा था तो वहां नहीं जा सकते थे। ये हम लोगों का संस्कार ज्यादा है थोड़ा, सही से हम लोगों का कल्चर ही अलग है। था शशिकांत दादा अभी पिछले महीने 2 महीने पहले भी रीवा गए थे, तो मैं इनको घुमाने के लिए ले गया, तो कहीं रीवा सतना ये थोड़ा सा डिजिटलीकरण नहीं हो पाया। हम कहे काहे, कहीं यहाँ डिवाइडर नहीं दिख रहे हैं सड़क के बीच। हम कहे दादा आप महानगर में रहते हैं, वहाँ डिवाइडर बनाए जाते होंगे, हमारे यहाँ यहाँ प्राकृतिक रूप से डिवाइडर रहते हैं। कैसे? हम कहे हर आधा किलोमीटर के बाद देखिए सड़क के बीचों बीच एक बैल खड़ा रहता है, वो डिवाइडर का भी काम करता है और ट्रैफिक हवलदार का भी काम करता है। आइए मैं एक कविता समर्पित करता हूँ, निवेदन करता हूँ, जो मेरी परिचय की कविता है। 2.5 से 3 मिनट मैंने तालियां आपसे बजवा ली है। इस कविता की भूमिका केवल इतनी है कि मैं जब पति बना तो हर पुरुष का सपना होता है कि पति बनने के बाद पिता बनना। जब कभी एक पिता बनना चाहा तो कभी की कल्पना कहां से कहां तक गई। निवेदन करता हूं, कोई ताली नहीं कोई बाह नहीं मेरे मन से जुड़िएगा। अगर मैंने आपके चेहरों पर खिलखिलाहट लाने की कोशिश की है तो कसम उस खिलखिलाहट की थोड़ी देर मेरे मन से जुड़िएगा। चित्र बनाइएगा, छंद मुक्त रचना 2 से 2.5 मिनट। निवेदन करता हूं, मंच का भी आशीर्वाद चाहता हूं कि कल रात मैंने एक सपना देखा। सपने में कोई अपना देखा, एक अजनबी सी सूरत थी, देखने में बड़ी खूबसूरत थी। मैंने पूछा क्यों मौन हो तुम, प्यारी ये तो बताओ कौन हो तुम। बोली अभी तक धरती ने मुझे जाना नहीं। पापा क्या आपने भी मुझे पहचाना नहीं। मैं बहुत ही जल्द किलकारी मारने वाली हूँ। आपकी बेटी बनकर धरती में आने वाली हूँ। आंसू खुशी के छलकने लगे। पिता पुत्री जब सपने में मिलने लगे, मैंने कहा कन्यादान। मैं उस बच्ची से क्या कह रहा था, मैंने कहा कन्यादान महादान है, ये वेदों की शिक्षा थी। और किसी बेटी का पिता बनूं ये मेरी भी इच्छा थी। इसलिए सारे दुख दारिद्रों को हर जाओ, बिटिया लक्ष्मी बनकर आ मेरे घर जाओ। तुम्हारे आने पर खुशियां मनाऊंगा, नाच गाना और जलसा कराऊंगा, तुमको कांधे पर बिठाऊंगा, पालने पर झूला झुलाऊंगा, उंगली पकड़कर स्कूल पढ़ने ले जाऊंगा, पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाऊंगा। अरे आओ देखो तो बेटी मेरा देश कितना खूबसूरत है। दादा भाई मैं उस बच्ची को इस माटी का गुणगान सुना रहा था, मैंने कहा आओ देखो तो बेटी मेरा देश कितना खूबसूरत है, जहां हर बाला देवी की मूर्त है। अरे जब कोई अपने सत्कर्मों का फल पाता है तब वो इस धरा पर जन्म लेकर आता है। इतना सुनते ही कविता का यू टर्न मारिएगा। इतना सुनते ही उसकी सिस्कियां फूट पड़ी और वो गुस्से से मुझ पर टूट पड़ी। बोली सच है पापा, कभी देवता पैदा हुए थे इस देश में। अब शायद अगली पंक्ति में आपके गुस्से की ताली आएंगी। बोली सच है, कभी देवता पैदा हुए थे इस देश में, अब तो बस दरिंदे घूमते हैं यहाँ इंसानी वेश में। तीन साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची, सतना रीवा इतनी सी छोटी सी जगह हमारी, लेकिन अंदर इंदौर से नहीं बच रहा।
माँ शारदा की नगरी में के बगल में खड़े होकर ये कह रहा हूँ कि अगर कुछ ले जाना हो नवरात्रि में उन कन्याओं का पूजन किया हो तो इस चिंतन को घर ले जाइएगा। कल सड़क पर चलते हुए किसी बच्ची की ओर कोई आंख उठाए तो सबसे पहले आपके कलेजे में दर्द उठेगा, ये संकल्प लेकर जाइएगा। बोली सच है कभी देवता पैदा हुए थे इस देश में, अब तो बस दरिंदे घूमते हैं यहाँ इंसानी वेश में। आप कहते हैं यहाँ कन्या देवी मान ली जाती है, फिर क्यों उसी देवी की अस्मत लूट ली जाती है। मैं जैसे ही अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी और वो गुच्ची बच्ची मुझसे क्या कह रही थी, अंतिम चार छह पंक्तियां संभालिएगा। मैं जैसे ही अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी आपको पता भी नहीं चलेगा कब बड़ी हो जाऊंगी, पिता के लिए पुत्री कभी बड़ी नहीं होती है। मैं जैसे ही अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी आपको पता भी नहीं चलेगा कब बड़ी हो जाऊंगी। अरे आपका कलेजा तो उस वक्त दर्द से मचल जाएगा जब कोई भेड़िया आपकी खिलखिलाती कली को कुचल जाएगा और आप उस भयानक दर्द को फिर सह नहीं पाएंगे और उस घटना के बाद समाज में इज्जत से रह नहीं पाएंगे। इसलिए क्षमा कर देना, हम सब रोज बिटिया मांगते हैं उस परमात्मा से लेकिन उस बच्ची का दर्द, इसलिए क्षमा कर देना। हे पिता क्षमा कर देना, मांगना तो भले कुछ मांग लेना ईश्वर से तुम, लेकिन भूल से भी औलाद अपनी बिटिया ना मांग लेना तुम। धिक्कार है, अंतिम चार पंक्तियां पुनःहूति विदा करिएगा। धिक्कार है जहां लोग जानवर से भी बदतर सोच पालते हैं और एक मासूम बच्ची के शरीर को नरपिशाच नोच डालते हैं। आप जैसे कई पिताओं के सपने, क्या किया था मैंने, बस एक सपना ही तो देखा था। आप जैसे कई पिताओं के सपने यूं ही टूटते रहेंगे जब तक समाज में बहसी दरिंदे आवारा घूमते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। ये थे भाई अमित शुक्ला, हंसते हंसाते हुए हमारे समाज के गिरते हुए नैतिक मूल्यों को समर्पित उनकी कविता। अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करने का परिणाम है कि पहले कवि ने हंसते हंसाते हुए कविता शुरू की और चिंतन के उस धरातल पर ले जाकर कवि सम्मेलन को स्थापित कर दिया, जहां पर हमारे सहारनपुर उत्तर प्रदेश के एक बड़े गीतकार राजेंद्र राजन, जो कई बार आपके पड़ोस मैयर में आए हैं, हमारे भाई वीरेंद्र सिंह जी उन्हें बुलाने वाले, उन्होंने कहा कि वतन की जो हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, कहीं भीड़ में खो गई आदमियत जिसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। नवरात्रि में कन्या पूजन करने वाला देश कन्या दान करके अपने जीवन के उत्सर्ग के परम को प्राप्त करने की चेष्टा रखने वाला देश बापू और लाल बहादुर शास्त्री के संस्कारों की आजादी वाला 72 साल का देश अगर अपने 3 साल की बेटियों को, 4 साल की बेटियों को, 5 साल की बेटियों को सुरक्षित नहीं रख पाता है तो ये किसी सरकार की जिम्मेदारी नहीं, ये किसी विचारधारा की जिम्मेदारी नहीं, ये इस समाज की जिम्मेदारी है जो हमारे समक्ष बैठा है। एक बार ताली बजाकर संकल्प करिए कि किसी बेटी के साथ ना कोई अत्याचार होने देंगे, ना कभी सहन करेंगे।